तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आप भी गूगल से विथआउट कॉपीराइट इमेज डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोग गूगल से जो है किसी भी फ़ोटोज़ को, अपने मनपसंद फ़ोटो को डाउनलोड करते हैं। ठीक है, गूगल से डाउनलोड करते हैं और फिर कभी ना कभी आपको उस पर कॉपीराइट देखने को मिल जाता है। ठीक है, कॉपीराइट खासकर तब देखने को मिलता है आपको जब आप उसका यूज़ मतलब अन्य सोशल मीडिया पर करते हैं। ठीक है, जैसे आप यूट्यूब पर उस फोटो को लगाकर उसकी वीडियो बना रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और वो जो है कॉपीराइट है उस फोटो में। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसमें उस वीडियो में भी आपको कॉपीराइट आ सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोगों को ऐसा तरीका बताने वाला हूँ डाउनलोड करने का। ठीक है फ्रेंड्स, कि अगर आप उस तरीके से किसी भी फ़ोटो को डाउनलोड करते हैं तो उसमें आपको मतलब कॉपीराइट नहीं आने वाला। ठीक है फ्रेंड्स, ये कंफर्म है आपको कॉपीराइट नहीं आने वाला। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा तरीका है गूगल से, आपको करना है क्रोम ब्राउज़र से। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन मैं आप लोगों को कुछ टिप्स बताऊंगा, उस तरीके से अगर आप करेंगे तो वहाँ पे आपको कॉपीराइट देखने को नहीं मिलेगा, आप चाहे जिसका इमेज डाउनलोड करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो कर दीजिए अभी से एक लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना बिल्कुल भी मत भूलिए, इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो हमेशा पाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि आप किस प्रकार से गूगल से विदाउट कॉपीराइट फोटोज़ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और आप लोगों को सारा कुछ क्लियर कर। तो फ्रेंड्स, आपको गूगल से फ़ोटोज़ डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउज़र पर आ जाना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे देख सकते हैं मैं अपने क्रोम ब्राउज़र पर आ गया हूँ और यहाँ पर आपको वही टाइप करना है मतलब जिसका फ़ोटो आपको चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, मान लीजिए आपको किसी चीज़ का भी फ़ोटो चाहिए। ठीक है, तो आप पहले उसका लिखेंगे। ठीक है, कि यानी कि जिसका आपको फ़ोटो चाहिए, तो मान लीजिए मुझे YouTube का ही फ़ोटो चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पर टाइप करूँगा YouTube फ़ोटो। ठीक है, आप कुछ कर दीजिए YouTube से फ़ोटो, हाँ YouTube फ़ोटो, इतने में ही आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, YouTube फ़ोटो मैं लिख के इसको सर्च करता हूँ। ठीक है, तो देखिए सर्च करने पर कुछ इस प्रकार से आ रहा है, यहाँ पर आपको इमेज के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर आप लोगों ने इमेज के ऑप्शन पर क्लिक किया और ऐसा कुछ इंटरफेस आप लोगों को नज़र आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट सेटिंग आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ, वो आप जो करेंगे मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले तो आपको जाना होगा डेस्कटॉप मोड पे। तो यहाँ पर देखिए एक तीर का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर देखिए डेस्कटॉप साइट। ठीक है फ्रेंड्स, जब तक आप डेस्कटॉप साइट पर अपने मोबाइल को नहीं ओपन करेंगे तब तक वो ऑप्शन आपके मोबाइल में आएगा ही नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों को यही परेशानी होती है, मैं जानता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउज़र में डेस्कटॉप साइट को ओपन कर लेना होगा। ठीक है, ये सर्च करने के बाद, ठीक है फ्रेंड्स, आप कभी भी ओपन कर सकते हैं लेकिन मैं अभी इतने पर ही इसको कर दे रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए मैं फोटो को सर्च कर लिया हूँ, वो यूट्यूब का फोटो भी आ गया, उसके बाद मैंने इसको डेस्कटॉप मोड पे ओपन कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, आप कभी भी अपने मोबाइल को डेस्कटॉप मोड पे ओपन करके सर्च कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चाहे आप सर्च करने के बाद डेस्कटॉप मोड पे ओपन कीजिए, चाहे डेस्कटॉप मोड पे ओपन करने के बाद ही सर्च कीजिए, वही बात हुई। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए अब सबसे मेन जो काम आता है, मेन जो सेटिंग है, मैं वो आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे मेन सेटिंग देखिए यहाँ पर है, मैं आप लोगों को जूम करके दिखाता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर एक टूल्स का ऑप्शन नज़र आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, सेटिंग्स है, सेटिंग्स के बाद में एक टूल्स का ऑप्शन नज़र आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी आप फोटो डाउनलोड मत कीजिएगा। ठीक है, मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर देखिए टूल्स का ऑप्शन नज़र आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, टूल्स के ऑप्शन पर, और देखिए अभी मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। देखिए टूल्स के ऑप्शन पर आप जब क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर थोड़ा नीचे देखिए ये आ रहा है साइज़ कलर टाइप टाइम यूजेस राइट्स का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो टूल्स पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर यूजेस राइट्स पर क्लिक करने का करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे ही आप टूल्स पर क्लिक करेंगे तो फिर आपको यहाँ पर यूजेस राइट्स का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, काफ़ी सारे ऑप्शन है, उसमें एक यूजेस राइट्स का भी ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है और देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस का एक और एक है कॉमर्शियल एंड अदर लाइसेंस। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस में आपको क्लिक करना है। ठीक है फ्रेंड्स, यही यहाँ पे एक मेन बात आती है। ठीक है, कि आपको कैसे विदाउट कॉपीराइट डाउनलोड करना, तो विदाउट कॉपीराइट फोटो डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस पर यानी कि पहले पर ही आपको क्लिक कर देना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने क्लिक कर दिया, अब ये पेज थोड़ा रीलोड होगा और यहाँ पर देखिए फिर से फोटो आ गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो कॉपीराइट वाले थे उसको हटा दिया गया है और विदाउट कॉपीराइट फोटो को यहाँ पर ला दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें से जो आप फोटो डाउनलोड करेंगे उसमें आपको कोई भी किसी भी प्रकार की कॉपीराइट नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैं आप लोगों को कन्फर्म बता रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही प्रक्रिया है जिससे आप विदाउट कॉपीराइट फोटो डाउनलोड कर सकते हैं क्रोम ब्राउजर से या गूगल से। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर जितने भी फोटो आए हैं ये सारे के सारे विदाउट कॉपीराइट फोटो हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप यहाँ पर अगर आपको कोई भी फोटो डाउनलोड करना है, मान लीजिए मुझे ये फोटो पहला फोटो डाउनलोड करना है, तो मैं इस पर थोड़ी देर तक क्लिक
कर रहूँगा। और फिर यहाँ पर देखिए डाउनलोड इमेज यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर मैं क्लिक कर दूँगा। ठीक है, देखिए फिर से डाउनलोड बोल रहा है कि डाउनलोड करना है या नहीं, तो मैं इस पर डाउनलोड पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए मेरा डाउनलोड हो रहा है और डाउनलोड हो भी गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी प्रकार से सेम प्रक्रिया से आप भी अपने मोबाइल में कोई भी विदाउट कॉपीराइट फोटो डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे से। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ आप लोगों को सारा कुछ समझ में आ गया होगा और बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और इस तरीके से जो मैंने आप लोगों को ये तरीका बताया है वीडियो मतलब फ़ोटो डाउनलोड करने का, ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके को अपना कर अगर आप फोटो डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पर आपको कोई भी कॉपीराइट देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, सिंपल सा फंडा है, थोड़ा सा 2-3-4 स्टेप का है, वो स्टेप अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो वहाँ पर आपको कोई भी कॉपीराइट देखने को नहीं मिलता। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बहुत ही अच्छा है आपके लिए, आपके पास ये जानकारी होनी चाहिए कि गूगल मतलब फ़ोटो डाउनलोड करने में भी, गूगल से फोटो डाउनलोड करने में भी आपको कॉपीराइट आ सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, काफ़ी सारे लोगों के चैनल पे आ भी गए, काफ़ी सारे लोगों के वीडियो पे आ भी गया है कॉपीराइट। ठीक है फ्रेंड्स, ये फोटो की वजह से। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप कोई भी फोटो डाउनलोड कीजिए, चाहे वो कोई भी चीज़ का फोटो या यूट्यूब का आप फोटो ही ले रहे हैं, किसी भी चीज़ का फोटो ले रहे हैं, गूगल से ले रहे हैं, तो वहाँ पर आप ये सेटिंग करने के बाद आप फोटो को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ आप लोगों को सारा कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।